एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुकते आज की पहली बड़ी खबर खबर पट्टी इलाके से, जहां फर्नीचर व्यवसायी की हुई गोली मारकर हत्या के मामले में बेटे समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। सुपारी देकर 11वीं पढ़ने वाले बेटे ने कराई थी अपने ही पिता की निर्मम हत्या। बता दें कि पट्टी के बाईपास रोड पर गुरुवार सुबह 50 वर्षीय फर्नीचर व्यापारी नईम को गोली मारकर हत्या करने के मामले में 11वीं पढ़ने वाले उसके इकलौते बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बाद ही बेटे को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही थी। शनिवार को तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया, जबकि बेटा नाबालिग होने के कारण प्रयागराज के बाल सुधार गृह भेजा गया है। इसका खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश सिंह ने बताया कि 21 मार्च को पट्टी के बाईपास रोड पर बेटे को कॉलेज छोड़ने जाते समय फर्नीचर व्यापारी मोहम्मद नईम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आरोपियों को चिन्हित करने के दौरान बेटे की भूमिका संदिग्ध लगी, तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार उसने बताया कि वह दुकान और घर से रुपए और जेवर चोरी कर अपना खर्च चलाता था। पिता रुपए देने से इनकार करते थे और उस पर कई तरह की पाबंदी भी लगाते थे। पहले उसने खुद ही दोस्तों के साथ पिता की हत्या का प्लान बनाया था। कामयाब न होने पर तीन शूटरों से बात की। शूटरों ने 6 लाख रुपए मांगे थे। उसने 16 मार्च को शूटरों को 50,000 रुपए नकद दिया था। 19 मार्च को फिर से 75,000 रुपए नकद दिया और 25,000 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किया। कल्लूडान ने पीयूष पाल और कंधई के चंदुआ पट्टी निवासी आकाश गुप्ता के साथ हत्या को अंजाम दिया। हत्या में शामिल तीन आरोपियों को स्वाट टीम प्रभारी पट्टी कोतवाल ने शनिवार सुबह इलाके के भरोखना नहर के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में कधई तरहदा के भानु प्रताप पाल का बेटा पीयूष, पट्टी कुमैया के साईलाल सोनी का बेटा शुभम, पट्टी मेला ग्राउंड के संजय मिश्र का बेटा प्रियंशु और गोलू शामिल है, जबकि कल्लूडान और आकाश अभी फरार हैं। सुनिए क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने। ये पट्टी थाना अंतर्गत दिनांक 21/3/2024 को एक सुबह 9:15 बजे के लगभग एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र को स्कूल ले जाते समय कुछ अज्ञात बदमाश जो सड़क पर खड़े थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस मौके इस सूचना पे पुलिस अधीक्षक महोदय और टीम द्वारा और सभी अधिकारी मौके पर पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। वहाँ ले गए तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन व्यक्ति दिखाई पड़े थे, उनकी पहचान की गई और मैनुअल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा साथ संकलन करके ये जानकारी में आया कि मृतक का पुत्र जो बाल अपचारी है इस घटना में पूरी तरह संलिप्त रहा और उसके पुत्र द्वारा अपने दो दोस्तों शुभम सोनी और प्रियांशु मिश्रा के साथ मिलकर इस घटना की कुल 6 लाख रुपए में सुपारी तय की थी, जिसमें 1 लाख रुपए मृतक के पुत्र द्वारा शुभम सोनी को दिया गया था। शुभम सोनी ने 75,000 रुपए पीयूष पाल और अन्य दो जो इस घटना में प्रकाश में आए हैं अभियुक्त उनको दिया गया और 25,000 रुपए अकाउंट में जमा किया गया है। पूरे घटनाक्रम के और साथ संकलन के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा रैली निकाल कर किया गया लोगों को मतदान के प्रति जागरूक। दरअसल तस्वीर प्रतापगढ़ के PBPG कॉलेज प्रतापगढ़ की है, जहां सिटी के NSS और स्वयं सेवक के अलावा छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा रैली निकाल कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने लोगों से अपील किया है कि वह मतदान के दिन घरों से निकलें और अवश्य मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी ही समझदारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोंडोर थाना क्षेत्र की खबर की, जहां पुलिस अभिरक्षा से नाबालिग लड़की हुई फरार, पुलिस ने शुरू किया जांच। दरअसल कोंडोर थाना क्षेत्र की पुलिस अभिरक्षा से एक नाबालिग जो कि अपहरण के आरोप में बरामद की गई थी वह फरार हो गई। लड़की के फरार होने से थाने में हड़कंप मचा रहा। नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच कराने के लिए पुलिस ले जा रही थी, उसी वक्त पुलिस को चकमा देते हुए लड़की फरार हो गई। फिलहाल कोंडोर पुलिस नाबालिग लड़की की तलाश में जुटी हुई है। इसकी जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस अभिरक्षा से लड़की के फरार होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। भगत सिंह की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण।
दरअसल तस्वीर प्रतापगढ़ के भगवत चुंगी के जहां पहुंचे युवा क्रांति के कार्यकर्ताओं द्वारा अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी की शहादत दिवस भगवा चुंगी स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संरक्षक आनंद शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी का सपना सजाए अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को आत्मसात करते हुए आज़ादी की लड़ाई में अपना इन्होंने योगदान दिया। भारत माता के आंचल को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे दीवानापन आज़ादी के लिए अब तक नहीं दिखाई दिए। आज़ादी के मतवालों का माँ भारती के लिए समर्पण अतुलनीय है। ऐसे महान विचारधारा के क्रांतिकारी शहीदों को युवा क्रांति द्वारा सादर नमन और वंदन किया जाता है।